बहुत सारा प्यार आप सभी को। ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है और इसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, एंटीराइनम भी कहते हैं। एंटीराइनम एक्चुअली इसका बॉटनिकल नेम है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। मैं बहुत एकदम छोटा सा पौध जब ये होता है 1 इंच का 1.5 इंच का तभी मैं इसको नर्सरी से लेकर के आई थी। ये सीड से भी ग्रो करता है और इसको प्रोपगेट करके यानी कि इसकी कटिंग करके भी ग्रो कर सकते हैं। 3 वेराइटी होती है इसकी, एक तो लंबा पौधा होता है, दूसरा मीडियम साइज का और तीसरा जो है वो ड्वार्फ साइज का होता है। मेरे पास फिलहाल ड्वार्फ साइज का ये प्लांट है और काफी कलरफुल प्लांट होते हैं यानी कि येलो, व्हाइट, रेड, बहुत सारे कलर्स में होते हैं जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। फिलहाल मेरे पास पिंक कलर का है क्योंकि मैं एकदम छोटा छोटा सा सैपलिंग लेकर के 3-4 पौधे लाती हूँ। सीडलिंग इस बार नहीं कर पाई मैं, तो छोटा सा पौधा ही नर्सरी से, तो दो सारे कलर्स एक ही जैसे निकले हैं तो देख रहे हैं। और इसमें जो है आप बहुत बूशी बनाने के लिए करना पड़ता है कि जब आपका प्लांट 3 इंच का 4 इंच का हो जाए, जो टॉप का हिस्सा हो वो थोड़ा सा पिंच करके, मतलब ऊपरी का जो 2-3 पत्ती है उसको कट करके हटा देना होता है। जिससे क्या होता है कि प्लांट्स धीरे धीरे, मतलब 3-4 बार ये करें, जैसे हम गुलदावरी वगैरह में भी करते हैं पंप पंप वाले में, तो उस तरह से इससे बूसी होता है प्लांट्स। और देखिए ये फूल को जब हम साइड से स्क्विच करते हैं, दबाते हैं, तो कैसे इसका जो फूल का माउथ एक ऐसा लगता है जैसे माउथ ओपन, मतलब खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो इसलिए हम इसका जो दूसरा नाम बताते हैं ना डॉग फ्लावर, शायद यही कारण है कि इसे डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं इसके अंदर आप दिख रहा होगा पीला पीला सा, ये छोटे छोटे से ये पॉलन है, इसी से पॉलिनेट होता है जब ये, तो सीड्स तैयार होते हैं इसके अंदर। तो लेकिन जब आप फ्लावरिंग ले रहे हों बहुत सारा, क्योंकि इसका जनवरी से लेकर के फरवरी तक फ्लावरिंग होता है, तो कम से कम आप मार्च के एंड तक करके कभी भी इसमें सीड बनने नहीं देना है आपको। जब भी इसका फूल सूख जाए, आधा सूख जाए, तो आप उसको तोड़ करके हटा दीजिए जिससे कि फ्लावरिंग कंटिन्यू आपका अच्छे खासे टाइम तक होता रहे। और फर्टिलाइजर की बात करूं तो एक तरह से ये सीजनल प्लांट है और सीजनल प्लांट में थोड़ा सा हमें ज़्यादा फूल लेना होता है, तो थोड़ा थोड़ा जो फर्टिलाइजर है वो उसकी क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते रहते हैं। जैसे हम 12 से हर 15 दिन पर एक कंटिन्यू इसमें फर्टिलाइजर देते हैं जिससे कि हमारा प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा रहे और खूब सारा फूल दे। देख रहे हैं कैसे ये मेरा पूरा प्लांट जो है कलियों से, वर्ड से भरा हुआ है। काफ़ी कुछ खिले भी थे लेकिन बंदरों ने भी काफ़ी अच्छा खासा वो तोड़ते रहते हैं, इसलिए थोड़ा दिखता है प्लांट्स में, थोड़ा थोड़ा कम फूल दिखते हैं मेरे। तो ये फर्टिलाइजर है घर के ही बने हुए कंपोस्ट वगैरह जो है, बनाना पील वो मिक्स करके देती हूँ, कभी कभी मैं मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फॉर्म में वो देती हूँ, स्टार्टिंग में देती हूँ जब तक बर्ड नहीं आते। बर्ड आने के बाद मैं थोड़ा सा बनाना पील और बर्मी कंपोस्ट, घर के बने हुए कंपोस्ट वो मिक्स करके देती रहती हूँ। ओवर वाटरिंग नहीं करना है इसमें, जब भी इसका आप देखेंगे मिट्टी की ऊपरी लेयर सूखी हुई है तभी आप वाटरिंग करें। बहुत ओवर वाटरिंग से होता क्या है कि इसके प्लांट्स की जो टहनियां वगैरह हैं, देखेंगे आप सॉफ्ट होती हैं, तो वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। इस बात का मतलब वाटरिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जब भी सूखी दिखे मिट्टी तभी वाटरिंग करें। और इंसेक्ट वगैरह भी लगते हैं इसमें, तो वो आप हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करें अगर ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल्स पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आपकी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।